अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने दो मेथड पढ़े थे, बेसिकली मेटालिक कोटिंग के दो मेथड थे। एक था फिजिकल मेथड, जिसमें हमने आगे दो मजीद मेथड पढ़े, गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग, और गैल्वेनाइजिंग को जिंक कोटिंग का भी नाम देते थे। और उसके बाद था इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में एक बात याद रखिएगा, हम करंट गुजार के फिर एक मेटल की सतह के ऊपर किसी दूसरी मेटल को चढ़ाएंगे, सही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन करूं, तो सिंपल सी डेफिनेशन हम यहां पर कर सकते हैं, द प्रोसेस वो तरीकाकार इन विच वन मेटल इज डेपोजिट, ये वन मेटल डेपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहते वो तरीका कार जिसमें एक मेटल की सतह के ऊपर को दूसरी मेटल चढ़ाई जाए करंट गुजार कर। मैं सिंपल बात कहूँ तो करंट गुजार के एक मेटल की सतह के ऊपर को दूसरी मेटल की तह चढ़ाना है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। भाई इसमें ना चंद एक बातें, ये जो बातें मैं बताऊंगा ये यहाँ पे आपको देखा जाए तो आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सारी इससे रेलेवेंट है, इनको समझ लीजिएगा, समझने के बाद आगे सारे के सारे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो बेसिकली प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। प्रोसीजर कोई बच्चा आप लिखेगा नहीं, ये पेपर में नहीं आएगा आपको। अमूमन प्रोसीजर, बच्चा अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, मतलब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह कर रहे होते हैं, देखो थोड़ा समझिएगा। मतलब हमने एक मेटल की सतह के ऊपर दूसरी मेटल की सतह चढ़ानी है, और अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर क्यों रहे होते हैं, तो आपका आंसर होगा जंग से बचाने के लिए, क्रूजन से बचाने के लिए, सही है। हम चाहते हैं कि मेटल को जंग ना लगे, क्रूजन ना हो, इसलिए एक मेटल की सतह के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ा देते हैं। अच्छा, दूसरी मेटल की तह चढ़ाने से होगा क्या? कोई बच्चा अगर मजीद आके सवाल ये कर ले तो ठीक है, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद होगा क्या? देखो जंग लगने के लिए हमने पीछे पढ़ा था दो चीज़ों का आना जरूरी है, ऑक्सीजन गैस और वाटर। हमने एक बात कह दी थी कि हम ऑक्सीजन से नहीं बचा सकते किसी चीज़ को, हाँ एक चीज़ से बचा सकते हैं, वो है वाटर। असल में यह है कि नीचे लोहा मौजूद है, उसके ऊपर एक और मेटल चढ़ा दी। अब ये जो ऊपर मेटल चढ़ाई ना, ये वाटर को लोहे तक पहुंचने नहीं देगी, ये दरमियान में बैरियर के तौर पे काम कर रही है। किसके तौर पे काम कर रही है? बैरियर के तौर पे। इसलिए ये वाला पानी इस मेटल तक पहुंचेगा ही नहीं, जब पहुंचेगा नहीं तो जंग लगेगा, इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे थे। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग दो तरीके का करते हैं, एक तो पढ़ लिया ना, जो आज हमने डिस्कस करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करंट गुजार के एक मेटल की सतह के ऊपर दूसरे मेटल की तह चढ़ानी है, ये कहाँ पे हो रही है? बट ये आपके कर रहे थे जो सोने की झाल फेरते हैं ना सुनियारे, पित्तल के ऊपर या फिर कॉपर के ऊपर, वो सोने की झाल फेरते हैं, बिल्कुल सोने की तरह चीज़ लगनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर हो रही होती है। आपकी जो एक्सपेंसिव कार्स हैं उनके ऊपर जो पेंट किया जाता है वो थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, करंट दे के फिर पेंट किया जाता है, और ये वाला पेंट ज़्यादा पायदार होता है और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, सही है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है ज़रा गौर कीजिए, अब कोई बच्चा लिखता हुआ नज़र नहीं आया, नज़र ना आया तो हमारे पास सबसे पहले बच्चे एक टैंक लेना है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक ले जी, मैंने टैंक ले लिया, और जो टैंक होगा वो तीन चीज़ों का बना हो सकता है, ब्रिक का बना हो सकता है, ब्रिक एंड सीमेंट, सेकंड नंबर पे प्लास्टिक का बना हो सकता है,
थर्ड नंबर पे ग्लास का बना हो सकता है, किसका बना हो सकता है? ग्लास का। आपका टैंक इन तीन चीजों के, तीन चीजों में से किसी भी एक चीज से बना हो सकता है। अच्छा, जहां मैं इन तीनों चीजों पर गौर करोगे ना, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों चीजों में से करंट नहीं गुजरता, ना प्लास्टिक में से करंट गुजरता है, ना ग्लास में से करंट गुजरता है, ना ही इंटो वगैरह में से करंट गुजरता है। सही है? आप कहिए वो जब बारिश बुरश होती है तब इंटो में से करंट गुजर जाता है। नहीं, वो इंटे गीली होती हैं। अकेली ब्रिक की बात करोगे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर हैं, उनमें करंट नहीं गुजरता। सही हो गया भाई? ये तीनों की तीनों चीज़ें वो हैं जिनमें से करंट नहीं गुजरता। आपने टैंक इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का बना सकते हो। चलो जी, मैं सपोज कर रहा हूँ मैंने ग्लास का बना लिया। अब इसके बाद ना आपको पता है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ऐसा ही है। अब ये मैं सपोज करता हूँ एक चम्मच है, मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ। आपने करना क्या है कि ये मेरे पास एक बैटरी के साथ इसको जोड़ देना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। भाई जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे इसको हम नाम देंगे एनोड का, नेगेटिव टर्मिनल जिसको जोड़ोगे इसको नाम देंगे कैथोड का। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये हमारे पास बैटरी है। अब एनोड किस चीज का बनाना है, कैथोड किस चीज का बनाना है, ये चीज खुद याद रखिएगा। भैया कैथोड अमूमन उस मेटल का होगा, बेसिकली एनोड भी मेटल का होगा और कैथोड भी मेटल का होगा, लेकिन दोनों मेटल को याद रखिएगा, एनोड किस मेटल का होगा और कैथोड किस मेटल का होगा। भैया कैथोड उस मेटल का होगा जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो। दोबारा सुन लो, कैथोड उस मेटल का होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, मतलब ये आयरन का हो सकता है, यानी जिसको आप जंग से बचाना चाहते हो आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे ना। कैथोड उस मेटल का होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो, और एनोड जो है मुझे उस मेटल का होगा जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, जिसकी मतलब ये क्रोमियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है और टिन का हो सकता है, मतलब ये वाली मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब जो ऊपर तह चढ़ाना चाहते हो ना, जो ऊपर तह चढ़ेगी वो आप बनाओगे एनोड, जिसके ऊपर तह चढ़ाना चाहते हो वो बनाओगे कैथोड। कैथोड का मतलब क्या है, उसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद ना आपने एक साल्ट लेना है, उसको पानी में हल करना है और इसके अंदर डाल देना है, और इसको हम नाम दे रहे थे साल्ट को, अगर पानी में हल करके इसमें डालते हो तो उसको नाम क्या दे रहे होते हैं, हैं पढ़ा हुआ है? नहीं, ब्रायन तो सिर्फ एनएसीएल के साल्ट को पानी में डाल कर डालोगे उसको ब्रायन कहेंगे। और बच्चा देखिए कॉमन नाम पढ़ा हुआ है हमने, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रो लाइट। भैया आप इलेक्ट्रोलाइट किस साल्ट का लेना है? अगर आप क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो आप क्रोमियम का साल्ट लोगे, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो सिल्वर का साल्ट लोगे, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो टिन का साल्ट लोगे। सपोज करते हैं मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं लूंगा क्रोमियम सल्फेट जिसमें क्रोमियम हो, क्रोमियम साल्ट मतलब क्या है उसमें क्रोमियम होगा, क्रोमियम Cr2SO4 थ्राइस। अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं टिन क्लोराइड। सही है? अगर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो तांबे की, तो कॉपर सल्फेट। ये वाले देखो कॉपर में कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, उसमें कॉपर लाजमी होना चाहिए, जो भी साल्ट लोगे उसमें कॉपर लाजमी हो। अगर क्रोमियम करना चाहते हो आप क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम नाइट्रेट, उसमें क्रोमियम लाजमी होना चाहिए।
और अगर आप सिल्वर के सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर फॉस्फेट ये वाला सार ले सकते हो, लेकिन उसमें सिल्वर होना चाहिए। मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट वो इस्तेमाल करोगे जिसमें उस साल्ट का मेटल एटम मेटल मौजूद हो। मसलन अगर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो उसका साल्ट में ये देखो कॉपर सल्फेट, ये कॉपर मौजूद है। क्रोमियम की तो क्रोमियम मौजूद है, सिल्वर के सिल्वर मौजूद है, टिन में टिन मौजूद है। तो ये चंद बातें हैं, अगर ये बातें आपने जहन में आज रख ली तो अगले वाले इलेक्ट्रोप्लेटिंग सारी की सारी आपको एक दफ़ा आ जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि एनोड किस चीज़ का बनाना है, कैथोड किस चीज़ का बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करना है, सही है। और भाई यही मेन तीन बातें यही हैं, मेन तीन बातें एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट आपके जहन में हो। कैथोड इसका बनाएंगे, एनोड इसका बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट ये इस्तेमाल करेंगे। कैथोड तो सब में सेम ही रहेगा, आयरन या स्टील रखेंगे, आयरन या स्टील, और बाकी जो चेंजिंग आएगी वो एनोड में आएगी और इलेक्ट्रोलाइट में आएगी। क्लियर यहाँ तक? चलो अब इसमें मैं चंद बातें लिखूंगा प्रोसीजर में, चेक कीजिएगा। पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ, तो प्रोसीजर में लिख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ अ मेटल, किसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एनोड इज मेड अप ऑफ दैट मेटल विच वी वांट टू इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके जिसके हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। एनोड इज मेड अप ऑफ दैट मैटर विच वी वांट टू बी डेपोजिट। डेपोजिट का मतलब होता है चढ़ाना, इसकी सतह के ऊपर जब मैटर चढ़ेगी ना इसको कहते हैं डेपोजिट। ये यहां उतरेगी, यहां चढ़ेगी, मतलब मेटल की सतह के ऊपर जिस मेटल को चढ़ाना चाहते हो ना एनोड उसका बनाओगे। विच वी वांट टू बी डेपोजिट, मैं एग्जांपल दे देता हूं कुछ, जिस तरह क्रोमियम, सिल्वर, टिन, एटीसी। इसके बाद सेकंड नंबर बचे, यहां पर अगर देखा जाए तो कैथोड इज मेड अप ऑफ दैट मैटर, कैथोड इज मेड अप ऑफ दैट मैटर ऑन विच, जिस पर, ऑन विच वी वांट टू इलेक्ट्रो या वी वांट टू प्लेस अ थिन लेयर ऑफ मेटल, अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल, अदर मेटल सच एज आयरन, सच एज आयरन, सच एज आयरन, जिस तरह की मिसाल हमारे पास आ गई है आयरन। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने कहा कैथोड उस मेटल का होगा जिसकी हम ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं या तय चढ़ाना चाहते हैं, और कैथोड उसका होगा जिसके ऊपर, जिसके ऊपर की दूसरी मेटल की तय चढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह का हमारे पास है आयरन। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ मेटल, ये उस मेटल के साल्ट का सोल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ मेटल विच वी वांट टू डिपॉजिट ऑन आयरन
और स्टील, मतलब उस मेटल के साल्ट का सोल्यूशन होगा जिसको हम आयरन के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट बात, इधर मेरी बात सुनना भले, कहते हैं जैसे ही आप करंट गुजारते हो यहाँ पे, ये मेरी बात सुन लेना, जैसे ही आप करंट गुजारोगे तो यहाँ से ये वाली मेटल उतरेगी और इसकी सतह के ऊपर जाके जुड़ना शुरू हो जाएगी। इसकी सतह के ऊपर जाके क्या होगी, इसकी सतह के ऊपर ऐसा ऐसा जुड़ना शुरू हो जाएगी। और एक वक्त आएगा पूरे ऊपर जो आपने यहाँ पे लोहे का चम्मच डाला हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल पतली सतह उस मेटल की चढ़ जाएगी। क्लियर है? चलो अब ये क्यों वहाँ से उतर रहा था, क्यों वहाँ पर जाकर जुड़ रहा था, आगे जाकर आपको पता चल जाए। एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, या व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट थ्रू द पास थ्रू देन द मेटल डिसॉल्व फ्रॉम एनोड, फ्रॉम एनोड मतलब यहां से पहले हाल लोग की सोल्यूशन में आएगी और सोल्यूशन से दोबारा कहां पर जाकर जुड़ेगी, कैथोड पे। देन द मेटल डिसॉल्व फ्रॉम एनोड एंड डेपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, कैथोड की सरफेस के ऊपर जाके ये जुड़ जाएगी। भाई बस यही बातें हैं जो आपने याद रखनी है, यह था ये प्रोसीजर। अब एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और जब आप करंट गुजारते हो उस वक्त होता क्या है, सही बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ना भाई, कम से कम ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, बाकी आपने जहन में कॉन्सेप्ट रखिएगा, एनोड किस चीज़ का होता है, कैथोड किस चीज़ का, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होगा, बस बात खत्म। अगर ये तीन चीज़ें आपने याद रख ली, समझिए ये टॉपिक का हक आपने अदा कर दिया, सही है। अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे ना, हमने यही तीन चीज़ें, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, फिर यही तीन चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अगर इन तीन चीज़ों पर आप ग्रिप है तो आपके आगे बढ़ा सारे के सारे टॉपिक, और कल को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका चैप्टर मुकम्मल कर दें। एक चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझाऊंगा, अगर एक चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आ गई, अगर ये समझ आ गई तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी और बाकी हम सारे के सारे चीज़ें लिख लेंगे। तो बच्चा यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।